नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जहां पहली खबर बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर पार्टी में सांपों की सप्लाई का आरोप को लेकर है। वहीं एल्विश यादव ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पॉल्यूशन में दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है, जिसके कारण दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तीसरी खबर रामपुर से है, जहां आसम खान के ऑफिस और रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए टीम गठित की गई है। वहीं चौथी खबर की बात की जाए तो मथुरा से है, जहां CMO कार्यालय परिसर में रखे एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिसाव की घटना सामने आई है। वहीं इस घटना में 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। और एल्विश यादव ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। कहा है, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। एल्विश यादव पर लगे हैं गंभीर आरोप। एल्विश पर पार्टी में सांपों की सप्लाई का आरोप लगा है। बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव पर FIR दर्ज की गई है। 3 राज्यों में एल्विश की तलाश लगातार जारी है। एल्विश यादव ने सुबह वीडियो जारी करके इस पूरे वारदात पर अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। अगर मेरी थोड़ी सी भी इसमें भागीदारी नजर आती है तो मैं पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा, लेकिन झूठी अफवाह ना फैलाई जाए, इसकी विनती भी उन्होंने करी है। और ये जो केस दर्ज हुआ है एल्विश यादव पर, उसी की कॉपी है। चूंकि एल्विश यादव नामी जामी चेहरे हैं और बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं, और ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगा है कि रेव पार्टी में इस तरीके के सांपों के जहर की सप्लाई करते हैं, यूज उनके द्वारा किया जाता है, और इसीलिए अब वो सवालों के घेरे में हैं। बता दें कि सेक्टर 49 नोएडा में छापेमारी हुई थी, जिसमें 5 कोबरा, 2 मुहे सांप, 2 अजगर बरामद हुआ है, और इनके जो जहर है वो पहले से निकाले जा चुके हैं, और इसमें नाम एल्विश यादव का भी निकल के सामने आ रहा है। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ UP पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा UP पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। वही BJP सांसद और PFA के फाउंडर मेनका गांधी ने एल्विश यादव के मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। PFA ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है, तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, Schedule 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान,
बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहां हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तो मेनका गांधी को आप सुने थे, उनकी तरफ से कहा गया कि 7 साल की सजा है और टीआरपी में रहने के लिए, हेडलाइन में रहने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। जब मशहूरता की लत लग जाती है तब कुछ भी किया जा सकता है, और उनमें से एक एल्विश यादव है, उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है। तो एल्विश यादव आरोप में फंस चुके हैं। मेनका गांधी ने एल्विश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो ये बताती है कि एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एल्विश यादव के खिलाफ बता दें कि सेक्टर 49 में छापेमारी के बाद ये केस दर्ज किया गया है, और ऐसे में कई सवाल एल्विश यादव के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एल्विश यादव ने सुबह वीडियो के माध्यम से ये अपनी सफाई दे दी है। उनका कहना है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम सच होते हैं तो मैं पूरा सहयोग करूंगा और मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी एल्विश यादव को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक एल्विश यादव नहीं मिले हैं। गैर जमानती कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें केस दर्ज हुआ है। बता दें कि कोबरा साहब, दो मुहा साहब, अजगर, सेक्टर 49 में जो छापेमारी हुई थी उसमें बरामद किए गए हैं। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। नितिन, मेनका गांधी को आपने सुना किस तरीके से वो कह रही हैं कि लोगों को चस्का लग जाता मशहूर होने के लिए, और इसलिए वो किसी भी हद तक गिर जाती हैं। वो सीधा सीधा एल्विश यादव पर निशाना साध रही हैं। देखिए सुरती, बिल्कुल जिस तरीके से यूट्यूबर जो विनर था एल्विश यादव, उसको जो है नोएडा पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है। 3 राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पता चला था कि रेप पार्टी में जो है एल्विश यादव जो है सांप का जो है व्यापार करता था, और जिस तरीके से मैं बता दें कि आपको लगातार वहाँ पर जो है लड़कियों को भी बुलाता था, जिस तरीके से लगातार वहाँ रेप पार्टी करने के लिए खुद आता था, कि नोएडा पुलिस ने इस चीज़ का स्टिंग खुद अपनी आंखों से किया, अपने कैमरे से किया। उस कैमरे में कैद है कि आखिरकार एल्विश यादव किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों के साथ में जो है जहर फैलाने का कार्य करता है। लेकिन उसके बाद ही बता दें कि मेनका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिरकार एल्विश, कुछ लोग ऐसे हैं जो फोटो वायरल करके अपने पूरी तरीके से जो है अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, और साथ ही उसको देखते हुए लगातार एल्विश यादव को ढूंढने का प्रयास जो है नोएडा पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अभी तक एल्विश यादव का ये पता नहीं चल रहा कि आखिरकार एल्विश यादव है कहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी वीडियो वायरल की थी, और वीडियो वायरल करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से जो नोएडा पुलिस ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो उसके यहाँ पर जो मामले लिखे गए हैं, दर्ज कराई गई है FIR, तो उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ एल्विश यादव अभी फरार चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए लगातार तैयार हूँ। वो योगी आदित्यनाथ से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे, जिस तरीके से मेरे को फंसाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये खबर जो फैलाई जा रही है वो गलत खबर है। लेकिन उसके बाद भी नोएडा पुलिस की तरफ कहा गया है कि आखिरकार एल्विश यादव का नाम खुद लिया गया है, इनके लोग जो 5 पकड़े गए थे, तो उन्होंने जो साफ तौर पे कहा कि एल्विश यादव यहाँ पर जो है रेप पार्टी करने के लिए खुद आता था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से व्यापार यहाँ पर करता था, जहरीला पैदात करता था, लेकिन उसके बाद भी लगातार अब देखा जा रहा है कि नोएडा पुलिस जल्दी से जल्दी एल्विश यादव को जो है गिरफ्तार करेगी, और साथ उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गिरोह यहाँ पर चल रहा था नोएडा के सेक्टर 51 में होटल के अंदर, तो उसके बाद भी लगातार पुलिस का कहना है कि जल्दी से जल्दी एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाएगा, और साथ ही इसके साथ ही जो और भी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नितिन, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप नामी गिरामी चेहरे हो और इसके ऊपर, इसके बाद आपके ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगते हैं, सवालों के घेरे में आप आते हैं, तो किस तरीके से एल्विश यादव अपनी सच्चाई साबित करेंगे, और कौन कौन से सुराग पुलिस को उनके खिलाफ अभी तक मिल चुके हैं जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ है? नितिन देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो 5 लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए थे कल देर रात में, क्योंकि पहले सबसे पहले नोएडा पुलिस ने जो स्टिंग कराया, स्टिंग ऑपरेशन के बाद में उसमें जो है पता चलता था कि जिस तरीके से यहाँ पर नशीले पदार्थ किए जाते हैं और सांपों के व्यापार किया जाता है, क्योंकि जो बाहर से सांप लेके आते हैं उनको जो है पता चलता है कि आखिरकार वहाँ की जो रेप पार्टी होती है, तो रेप पार्टी के अंदर जो है लगातार जो होटल मैनेजर है उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एल्विश यादव जो है यहाँ पर आते हैं, जो विनर है उसमें OTT2 के, तो उसको लगातार उनका नाम, उसका
का सामने आया था, उसके जो साथी थे 5 लोग उन्हें जब पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा उन्होंने बताया कि एल्विश यादव खुद यहाँ पर आते थे, यहाँ पर जो है लड़कियाँ बुलाई जाती थी, लगातार ऐसे संगीन आरोप उसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन उसके बाद एल्विश यादव अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। लेकिन नोएडा पुलिस का कहना है कि अभी तक एल्विश यादव का पता नहीं है एल्विश यादव कहाँ पर है, क्योंकि 3 राज्यों में जो है पुलिस पहुंची हुई है, लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से एल्विश यादव जब से गायब है, जब से नाम FIR में आया है, लगातार उसे कॉन्टैक्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट नंबर अभी तक जो है बन जा रहा है एल्विश यादव का। लाती आपको बता दें कि जो नोएडा के DCP हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आखिरकार एल्विश यादव को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, और भी इसमें कहीं ना कहीं तार जो है जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है खुद मेनका गांधी ने जो है साफ तौर पर कह दिया कि 7 साल की इसमें सजा भी है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और फोटो विनर करते हैं और किस तरीके से पॉपुलरिटी अपनी कमाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर हैं तो उस तरीकों से जो है लगातार उन्होंने पहले भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, कहा था कि जिस तरीके से लोग फोटो वायरल करते हैं और उसको जो है अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए लगातार इसमें आते हैं। लेकिन उसके साथ साफ तौर पर उन्होंने यही देखा कि एल्विश यादव जिस तरीके से फोटो वायरल हुए हैं उस फोटो को देखते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 साल की सजा और लगातार इस तरीके से फोटो वीडियो वायरल हो रही है, और ये कहीं ना कहीं पुलिस के इस केस पर और जो बयान निकल के सामने आए हैं लोगों को जो पकड़े गए हैं उनको पुख्ता करते हुए नजर आ रहा है। नितिन देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एल्विश यादव का जब नाम सामने आया था, जब 5 लोग इनके गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले नाम एल्विश यादव का इन लोगों ने लिया, कहा कि एल्विश यादव जो है OTT2 विनर के जो विनर थे वो खुद यहाँ नोएडा के 1 सेक्टर 51 में आते थे। लेकिन उसके बाद जब स्टिंग कराया गया तो स्टिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा ऑपरेशन में कि यहाँ पर एल्विश यादव आते हैं, एल्विश यादव की पार्टी होती है, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग आते हैं, तमाम ऐसे हस्तियाँ आती हैं, लगातार उसको देखते हो कि जिस तरीके से एल्विश यादव का नाम लिया जा रहा था तो एल्विश यादव का नाम सामने आते ही पूरे उसमें जो है हलचल मच गई। अब देखना होगा कि एल्विश यादव को पुलिस कब तक पकड़ती है और इन आरोपों में कितनी सच्चाई निकल के सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपकी जान पर बना सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है, जिस कारण दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा अब प्राण वायु नहीं बल्कि जहर में तब्दील हो चुकी है। ये हवा अब लोगों की जिंदगी देने का नहीं बल्कि जान लेने के लिए उतारू हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली और NCR में दीपावली से पहले ही धुआं धुआं हो रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे दूसरे राज्यों के शहरों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो गया है। कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है, और ऐसा मौसम तो है ही, तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है जी। अभी जैसे मास्क लगा के आप थोड़ा बहुत तो फील कर पा रहे होंगे ठीक ठाक? हाँ ठीक है, जो धूल मिट्टी से उसे तो बची रहे हैं जी। आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, जैसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा जी। जो सांस की है वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर कैसे सांस ले पाएगा। अभी आंखों में तो अभी इतनी जलन नहीं है, लेकिन हाँ ये सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है सुबह सुबह, तो इसलिए बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। हालात ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे दिल्ली NCR में हर तरफ स्मोक ही स्मोक नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण का आलम ये हो चुका है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को सुबह टहलने से भी मना कर रही है। Try to avoid going to the roads in the early morning and the late evening, because that time pollution levels vary. Even if you have to go to to a park or for some exercise, don't be aggressive. Don't induce high respiratory rate, because that will impact the pollution much more severely than a normal patient. And at the most, you can wear N95 mask. See, it's all responsibility to prevent the pollution by not having prali and so on. So means at least we can take some of the measures so that we don't contribute as a person to this pollution. हम साल के उस वक्त पे आ गए हैं जहाँ पे pollution फिर से बढ़ने लगा है, pollution का level बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। Already हम देख रहे हैं कि हमारे पास सांस की दिक्कत के मरीज ज्यादा आने लगे हैं, ज्यादा लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में
पानी आना, आंखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफी बढ़ गई है। ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज करें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें और सुबह के वक्त जब फॉग ज्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। दिल्ली में जहरीली आबोहवा के कारण कई इलाके में AQI 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 327 दर्ज किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसतन AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था। वही राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। वही अब नगर पालिका की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। चलिए अब सीधे चलते हैं जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, हमारी सरकार ने धोनी मोदी की सरकार ने तय किया है, अभी 15 नवंबर आएगा, ये जनजातीय दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को मनाया जाएगा। गरीब को जहां पे उसका मकान है, आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं तो उस भूमि का पट्टा उसी के नाम पर बन करके फिर उसे वहीं पर आवास की सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसको और अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी नौजवान अपने आप को व्यसित महसूस न कर सके। अनुसूचित जाति के नौजवानों के छात्रों के एक तरफ समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलने वाले छात्रावासों की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, उनके सुंदरीकरण के लिए सरकार ने भरपूर धनराशि उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, तो दूसरी ओर सरकार का यह भी निर्णय है कि उच्च शिक्षा के अध्ययन के देश के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में और दुनिया के किसी भी बड़े संस्थान में अनुसूचित जाति का युवा अगर वहां पढ़ने के लिए जाएगा, उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देने का कार्य करेगी। और इसके लिए लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाई बहनों, ये डॉइंजन की सरकार है, इसकी विकास की स्पीड ही दबल स्पीड नहीं है, बल्कि यहां बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी आपको पूरी तत्परता के साथ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। और आज के अनुसूचित जाति का महासम्मेलन इस बात का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर जब हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से उन पूर्वजों के प्रति जिन्होंने कभी महर्षि वाल्मीकि के रूप में रामायण ग्रंथ दिया, जिन्होंने कभी इस देश में महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ दिया, जिन ऋषियों ने मध्यकाल में मन चंडा को गर्भवती में गंगा का एक संदेश हम सबको दिया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को हमेश हर का होई का संदेश दिया था, जिन महापुरुषों ने भारत के
और सामाजिक न्याय की इस व्यवस्था को विकास के साथ जोड़ने का कार्य किया और जिन महापुरुषों ने देश की आजादी अपने सामाजिक अपमान को सहते हुए भी देश को आजाद बनाने में अपना सर्वस्व निछावर किया है और इन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के प्रदेश जनपद से आए हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 270 करोड़ की परियोजना के लिए बधाई देता हूं और आप सबको दीपावली और छठ की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी बाणी को यहीं पर विराम देते हुए यहाँ के प्रदेश के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष श्री रामचंद्र कमलकार उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कि उन्होंने सफलतापूर्वक इन आयोजनों को प्रदेश में संपन्न करके हलचल पैदा की है। इस हलचल को और प्रधानमंत्री साहब के बधाई का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं आप, गोरखपुर से किस तरीके से गोरखपुर में जो विकास कार्य हैं उनको गिनवाया जा रहा है, उपलब्धियां जो हासिल की है वो बताया जा रहा है। तो गोरखपुर से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे कौन कौन से विकास कार्य गोरखपुर में हासिल किए गए हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में रखे एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिसाव की घटना सामने आई है, जिसका शिकार लगभग 10 नर्सिंग छात्र हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएमओ डॉक्टर राजू कुमार वर्मा ने कहा है कि कल हमें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, उन्होंने हर चीज का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रित किया। आज सुबह 11 बजे फिर से गंध आने लगी, अग्निशमन विभाग ने समस्या का पता लगाया, कुछ छात्र चिंतित थे, उन्हें बाहर लाया गया। सादिक खान इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सादिक, कल से ये गैस लीक हो रही थी लेकिन पता आज चला जब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई? जी बिल्कुल स्वेटी, मैं आपको बता दूं ये सीएमओ ऑफिस में जो गैस रिसाव की घटना हुई है इसमें सीएमओ और इनके पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ पर गैस रिसाव से लगभग 8 दर्जन से अधिक छात्र आए, जो बराबर में एक गर्ल्स हॉस्टल था जो मेडिकल के हॉस्टल था उसकी छात्राएं बेहोश हुई है, जिन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा गया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनती यह है कि एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये जो एक पंप बनाया गया था लगभग 20 साल पहले इस पंप को यहां बनाया गया था, लेकिन ये पंप बीच में बंद हो गया था, उसके बाद से ही इस पंप में 2 गैस के सिलेंडर पड़े हुए थे जिस पर किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी की नजर नहीं थी। उसी पंप में जो ये 2 सिलेंडर पड़े हुए थे उनमें से धीरे धीरे गैस कैसी है? जी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पूरे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग और जितने भी कर्मचारी वहां लगे हुए थे उन्होंने इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। अभी फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सुईटी कि इस पूरे मसले में सीएमओ विभाग और इनके जितने विभाग के कर्मचारी उनकी लापरवाही सामने आई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।